हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, ये हमारा आरआरबी पीओ और क्लर्क का मॉक नंबर कौन सा होने वाला है, ये मॉक नंबर हमारा थर्ड होने वाला है। इससे पहले मैंने दो मॉक करवा दिए, तो अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ पे आप जाओ और रियल एग्जाम की जो अप्रोच होती है ना, उसको आप सीखो। और अगर नहीं देखा इन वीडियोज को तो आप इस वीडियो के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रियल एग्जाम की जो अप्रोच है वो आप सीख सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखो, पास हमारे पास एग्जैक्ट हम माने कि हमारे पास 30 डेज अब बचे हैं गाइस, क्योंकि आपका पता है 5 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है गाइस, ठीक है। अब हमारे पास अप्रोक्स क्या है, 30 डेज बचे, तो आप क्या करना, इन डेज पे कोशिश करना डेली बेसिस पे दो मॉक तो लगाओ और उनका डीपली एनालिसिस करना। जो आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करो, और जो आप क्वेश्चंस को स्किप करते हो उस पर भी आप ना काम करो गाइस, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के मॉक को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, इसकी जो मॉक की टाइमिंग है वो शाम को आपको 5 बजे ये मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया ये आया कि 7% पी से लेके वी तक सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब क्या है, इसमें 7% दे रखे हैं, रो के अंदर बैठे हैं और सबका फेस क्या है आपका, नॉर्थ की तरफ है। ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि हमारे पास कितने 7% है सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन नॉर्थ, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, ब्लू, रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज, ये आपके वो कलर लाइक करते हैं, बट ये कन्फर्म है कि सेम ऑर्डर में होने वाला है, ठीक है। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, 4 पीपल सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक रेड। जो पर्सन आपका रेड लाइक कर रहा है और जो आपका टी है, उसके बीच में कितने आएंगे आपके, 4 पर्सन आएंगे, बट ये कन्फर्म है कि टी के लेफ्ट में रेड आएगा या फिर राइट में आएगा, ये तो हमारी पॉसिबिलिटी है। वन हु लाइक रेड कलर सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखो, ये रो के एंड पे बैठा है, क्या है, एंड में बैठा, तो मेरे पास दोनों केस, दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो मैं दोनों केस आपको समझा देता हूं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक बार मैं यहां पे ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो रेड वाला पर्सन है ना, जो रेड कलर को लाइक करता है, वो एंड में आएगा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट एंड पे ले लेता हूँ जो पर्सन आपका रेड कलर को लाइक करता है, और एक बार मैं क्या करता हूँ, आपके जो राइट एंड में बैठेगा उसको ले लेता हूँ मैं रेड कलर, सबका फेस आपका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। रेड और टी के बीच में 4 पर्सन है, तो देखो फर्स्ट केस, ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकेंड केस है। तो देखो, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा, और एक बार देखो इधर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या बोला, आर हु लाइक येलो कलर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, आपका आर आएगा, और वो कौन सा कलर लाइक करेगा आपका, वो करेगा येलो कलर को लाइक, और इधर आ जाएगा मेरा एक बार आर, और आर कौन सा कलर लाइक करेगा आपका, वो करेगा येलो कलर, सबका फेस नॉर्थ है, ठीक है ना। मैं बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे क्या बोला है, 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक ब्लू कलर। जो पर्सन आपका आर है और जो ब्लू कलर को लाइक करता है, उसके बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब देखो, फर्स्ट केस में राइट में पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो 1, 2 छोड़ के यहां पे वो आएगा जो आपका ब्लू कलर को लाइक करता है, और इसमें सेकंड केस में देखो, 1, 2 छोड़ के आपका यहां पे आ जाएगा जो आपका ब्लू कलर लाइक करता है। चलिए, Neither P nor Q is immediate neighbor of the one who like blue color. Blue color के पड़ोसी ना तो P होगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे देख लो फर्स्ट केस में, तो दोनों आपके P Q नहीं आएगा, इस केस में P और Q आपके नहीं आएंगे, और इधर भी आपके दोनों P और Q नहीं आएंगे,
है। और आगे बोला कि पी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, पी आपका एंड पे भी नहीं आएगा। तो देखो आपकी पी की देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है और एक ये, बट एंड पे आएगा नहीं तो पी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, एंड पे पॉसिबल नहीं, तो पी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है इसको सेशन को और रियल अप्रोच सीखने की कोशिश करना। आगे बोला कि यू लाइक ग्रीन कलर एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, अब पी का नाइबर है तो पी का नाइबर यू तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा यू आ जाएगा और वो कौन सा कलर लाइक कर रहा है आपका, वो कर रहा है ग्रीन। और एक बार देखो यहाँ पे यू नहीं हो सकता, यहाँ पे यू हो जाएगा और वो लाइक करेगा आपका ग्रीन कलर। ठीक है, आगे बोला वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक पिंक कलर, यू और पिंक कलर के बीच में एक पर्सन आएगा। देखो तो यहाँ पे यू इधर पिंक पॉसिबल है कि नहीं, इधर देखो पिंक पॉसिबल नहीं, तो ये केस मेरा क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया। सेकंड केस देखो यू से एक से छोड़ के पिंक हो सकता नहीं, बट इधर देखो लेफ्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पर्सन आएगा जो आपका पिंक कलर लाइक करता है। ठीक है, एस डज नॉट लाइक पिंक कलर, एस आपका पिंक कलर लाइक नहीं करता, तो एस आपके यहाँ नहीं आएगा। T does not like orange color, T आपका orange color like नहीं करता, तो orange की जगह बचती है ये वाली, तो जो आपका P है वो like करेगा orange color। और एक color आपका बचा वो है purple, वो like करेगा आपका P। तो color सारे मेरे आ गए but एक person नहीं आया। Q does not like blue color, Q blue color like नहीं करेगा। अब देखो हाँ यहाँ पे एक रुकी रुकी स्टेमिनेट, ये हो गया मेरा आर येलो था ना, ठीक है ये हो गया मेरा आर लाइक येलो कलर, टी आर ठीक है पी। और देखो हाँ यहाँ पे था ना इसका पड़ोसी नहीं थे वो, देखो जो आपका ब्लू कलर लाइक कर रहा ना उसके पड़ोसी नहीं थे मेरे पी और क्यू, ना तो आप पी और क्यू यहाँ पे आएंगे मेरे, ना मेरे पी और क्यू यहाँ पे आएंगे। तो देखो क्यू की जगह यहाँ भी पॉसिबल नहीं है और इधर भी पॉसिबल नहीं है, तो क्यू की जगह आपकी ये वाली होगी एक राइट हैंड पे आ जाएगा। एस मेरा पिंक कलर लाइक नहीं करेगा, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और एक पर्सन बचा वो है आपका वी, तो वी मेरा कौन सा कलर लाइक करेगा, पिंक कलर लाइक करेगा। तो देखो इजीली बन गया, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको पकड़ना है जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो, इससे क्या होगा आपके पाँच के पाँच मार्क्स ईजिली आपके कवर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो तीन सवाल जो आपके बेस्ड है ना, ये आपके डायरेक्शन बेस्ड, तो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं। देखो अब इसने बोला कि पी इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ आर, अब आपको पता है ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, और अपने आप को यहां पर मान जो P है वो 7 मीटर वेस्ट है R के, R को मैंने यहां पे लिया, R के 7 मीटर वेस्ट में कौन है आपका, वो है पॉइंट P, विच इज 11 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z, विच किसके लिए आपका R के लिए, जो क्या है साउथ में Z के, तो ये साउथ में हो जाएगा 11 मीटर साउथ में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा किसके, Z के रिस्पेक्ट में। आगे बोला जेड इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, चलिए थोड़ा सा हम इसको नीचे बना लेते हैं, देखो पॉइंट पी जो आपका है वेस्ट ऑफ आर, तो आर मैं यहां पे ले लेता हूं और इसके 7 मीटर वेस्ट में कौन हो जाएगा आपका, पॉइंट पी हो जाएगा, और जो क्या था आर जो है ना आपका वो 11 मीटर साउथ है जेड के, तो जो आपका आर है वो 11 मीटर साउथ है किसके, जेड के, पॉइंट जेड इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा, बचा हुआ कितना होगा आपका 8 मीटर ईस्ट के, ईस्ट में कौन, जेड जो है ना आपका वो ईस्ट में किसके, डब्ल्यू के, एंड 4 मीटर साउथ ऑफ ए, तो 4 मीटर साउथ में किसके है, ए के। ठीक है, चलिए
पॉइंट ए इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। जो आपका ए है वो क्या है 13 मीटर नॉर्थ में। तो देखो चार तो ये हो गया, और यहां से आप ले लो 9 मीटर। अगर आप देखो ना तो ये आप ले सकते हो 9 मीटर, ये क्या हो जाएगा पॉइंट एच, विच इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ बी। जो क्या है 9 मीटर वेस्ट है किसके, बी के। यहां से मेरा कंप्लीट हो गया, मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। अब इसने क्या बोला था, डायरेक्शन पॉइंट जेड इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ऑप्शन नहीं दे रहे थे। तो जेड की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी आपका ये है, इस पे रिस्पेक्ट में क्या आपका ये है। तो अगर आपने देखा होगा ये नॉर्थ है, ये आपकी वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, जेड की। तो इसका आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। ये सारा का जो एरर है इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ जब दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे आपके सही कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखो वो जो नेक्स्ट जो आपकी पजल है वो बेस्ड है मंथ बेस्ड पजल जो आपको देखने को मिलती है क्लर्क लेवल में, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि 8 पर्सन है ए से लेके डी, एक्स वाई जेड एम आर अटेंडिंग द इंटरव्यू इन डिफरेंट 8 मंथ। मतलब वो क्या करते हैं, अटेंड करते हैं आपके इंटरव्यू मंथ ऑफ जनवरी। पहला कौन सा मंथ है मेरा, जनवरी, फिर आपका फेब, फिर आपका है मार्च, फिर अप्रैल हो जाएगा आपका, फिर आपका मई मंथ हो जाएगा, फिर आपका जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा और अगस्त हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है 8 मंथ दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब उसमें क्या बोला है नेक्स्ट, वाई अटेंड द इंटरव्यू इन अ मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। तो आपको पता है कि जनवरी में होते 31 दिन, फेब में आते हैं आपके 28, मार्च में वापस 31, फिर अप्रैल में आपके 30, मई में आपके 31, जून में आपके 30 और जुलाई में आपके 31 और अगस्त में आपके 31। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों आपको मैं समझा देता हूं। देखो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है चलिए देखो मैं एक बार क्या कर लेता हूं कि आपका एक बार अप्रैल मंथ में ले लेता हूं वाई को, और एक बार मैं जून मंथ में ले लेता हूं। ओनली 3 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन वाई एंड डी। वाई और डी के बीच में कितने हैं आपके, 3 पर्सन है। एक दो तीन ऊपर पॉसिबल है क्या, फर्स्ट केस में नहीं पॉसिबल है ना, उसके नीचे आएगा 1 2 3, यहां पे आ जाएगा डी। सेकेंड केस में देखो नीचे पॉसिबल है नहीं ना, तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा मेरा डी। एज मैनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिफोर डी, डी से पहले जितने होंगे ना उतने ही आपके आफ्टर बी होंगे। तो फर्स्ट केस में देखो डी के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बी के बाद भी 7 हो जाएंगे, तो बी मेरा हो जाएगा जनवरी मंथ। सेकेंड केस में देखो डी से पहले कितने आपके, 1 है, बी के बाद भी कितने हो जाएंगे मेरे, 1 हो जाएंगे। तो ये केस कंप्लीट। एक्स अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएट आफ्टर बी, बी के जस्ट बाद आपका एक्स आएगा। तो फर्स्ट केस में देखो बी के बाद एक्स यहाँ पे हो गया, सेकंड केस में आपका यहाँ हो गया। ए हु अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर फेब, इसने क्या बोला, फेब मंथ के बाद मेरा कौन आएगा, ए आएगा, एंड 2 पर्सन बिफोर जेड, जेड से 2 पर्सन पहले आएगा, मतलब जेड और ए के बीच में आपका 1 पर्सन होगा। सी अटेंड इमीडिएट बिफोर एम, एम से जस्ट पहले आपका सी आएगा, ठीक है जी। अब देखो एम के, देखो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए
अब देखो मेरे पास क्या है कि सी के बाद आपका एम आएगा या एम से पहले मेरा सी आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है फर्स्ट केस में, यहाँ भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल। हम चेक करते हैं। देखो अब आपको पता है फेब मंथ के बाद ए आएगा, तो ए आपका यहाँ भी पॉसिबल है, ए आपका यहाँ भी पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ए को फेब मंथ के बाद ले तो मार्च में लेता हूँ, यहाँ पे जेड लेता हूँ और सी और एम, ये मेरा हो गया। बट हम चेक करते हैं दूसरा, मैं आपको सारा केस बताऊंगा, बट मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लूँ इसको ए को, इसके बाद मेरा जेड आ गया, तो ये वाली केस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ये मेरा कंफर्म हो गया कि जो मेरा है ना ए यहाँ पे आ जाएगा और जेड मेरा यहाँ पे हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा और ये मेरा एम हो गया। मेरा आंसर तो यहाँ से आ चुका है, बट सेकंड केस में हम चेक करते हैं। देखो अब फेब मंथ के बाद आपका ए आएगा, ए आपकी एज का बस्ती है, एक और कहीं पॉसिबल है कि ए और जेड के बीच में 1% आएगा। ए मेरा यहाँ पे आ गया और ये मेरा जेड हो गया। बट देखो ये वाला केस पॉसिबल है क्या? एम के जस्ट पहले सी नहीं पॉसिबल है, तो ये मेरा गलत हो गया, जो मेरा आंसर होगा इससे आ जाएगा। तो आपको ये चीजें करनी है जब भी आप अटेम्प्ट करो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या करो अपनी नोटबुक में लिख लो, पेजेस पे लिख लो, उसके बाद क्या करो उनको कनेक्ट करो। ठीक है, अब देखो ये आपके 3 सवाल बेस्ड है आपके स्लॉग्स में। देखो इसमें क्या बोला है आपको, आपको हमेशा विन डायग्राम के थ्रू इसको बनाना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सम स्टेट्स आर कंट्री, मेरा स्टेट का जो है ना कुछ पार्ट मेरा कंट्री में जा रहा है। आगे बोला आप ओनली अ फ्यू कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट, मतलब कंट्री का कुछ ही पार्ट आपका कॉन्टिनेंट्स में जा रहा है। नो कॉन्टिनेंट इज गैलेक्सी, मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट आपका गैलेक्सी नहीं होगा। तो पहला काम मेरा खत्म, मैंने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एटलीस्ट सम कंट्रीज आर गैलेक्सी, इसका रिलेशन है क्या हमारे पास? नहीं है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नो गैलेक्सी इज कंट्री, ना भी बताया आपका, ये भी नहीं है, दोनों मेरे क्या है? डाउटफुल। जब भी दोनों डाउटफुल हो तो आप चेक करोगे आइदर वाला केस। आइदर वाला केस क्या कहता है? या देखो दोनों डाउटफुल होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना, तो ये पॉजिटिव है ये मेरा नेगेटिव है, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो कंट्री कंट्री गैलेक्सी गैलेक्सी। तो आप आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 2 कॉन्क्लूजन इज फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहला स्टेटमेंट कहना ओनली अ फ्यू स्टूडेंट आर टीचर, ओनली अ फ्यू मतलब कुछ ही पार्ट आपका किस में जाएगा? टीचर में जाएगा। ऑल टीचर आर बॉयज, पूरा का पूरा टीचर किस में जा रहा है आपका? वो जा रहा है बॉयज के अंदर। सम बॉयज आर गर्ल्स, मतलब कुछ ही पार्ट आपका बॉयज का किस में जा रहा है? गर्ल्स में जा रहा है। ठीक है जी, ऑल बॉय आर स्टूडेंट, ये हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये मेरा डाउटफुल हो जाएगा। एटलीस्ट सम गर्ल्स आर टीचर, ये कुछ गर्ल्स का कुछ पार्ट किस में जाएगा आपका? टीचर में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, क्योंकि मुझे रिलेशन क्या दिया रखा था कि सम बॉयज आर क्या है? गर्ल्स है, तो गर्ल्स का पार्ट बॉयज में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। बट इसमें सेम केस देने रखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 और 2 कॉन्क्लूजन इज फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है नो ट्रेन इज बस, ट्रेन का कोई भी पार्ट किसमें नहीं जाएगा मेरा? वो बस में नहीं जाएगा। सम बसेस आर कार, बस का कुछ ही पार्ट आपका कार्स में जा रहा है। ओनली अ फ्यू कार्स आर क्या है? बाइक्स। अब रिलेशन बोला है नो बाइक इज बस, तो बाइक का कोई भी पार्ट बस में जा सकता है कि सर ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता हमें नहीं पता। बट आगे बोला सम कार्स आर नॉट ट्रेन्स,
देखो सम जा रहा है आपके इसके अंदर, देखो ये पार्ट है ना बस के अंदर जा रहा है, और बस का कोई भी रिलेशन किसके साथ नहीं है, ट्रेन के साथ नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड कॉन्क्लूजन इज फॉल्स। आपको तरीके से करना, अगर नहीं समझ में आता तो उसको स्किप कर दो, बट अपनी एक्यूरेसी खराब मत करना। इसमें पहले आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री, ये मैंने एक सीरीज दे रखी है, एट सिक्स, इसने क्या बोला कि वन को सब्ट्रैक्ट करना है सारे के सारे इवन डिजिट के अंदर से। यहां से वन किया तो मेरा क्या बचा, वन, फोर में से वन किया तो थ्री, सिक्स में से वन किया तो फाइव, एट में से वन किया सेवन, और सिक्स में से वन किया तो फाइव। आगे बोला है यही करना क्या, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब बाकी को सेम लिख दो आप, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका ये है ना, और ये आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से मुझे चौथा चाहिए ना, तो एक दो तीन चार, ये हो गया वन। फिफ्थ फ्रॉम द, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से मुझे पांचवा चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच, तो पांच और एक का डिफरेंस क्या होता है मेरा, चार होता है, जो मिल रहा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए नेक्स्ट, वापस आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया जिसमें 8% दे रखे हैं, ऑल सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो ये आपके क्या पजल आपको इजीली बन सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से करना है। जो एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सारा का सारा फेस क्या होता है सेंटर की तरफ होता है, एक बार क्या होता है सबका फेस आउटसाइड दे देगा, एक बार क्या करेगा आपको कुछ का फेस इनसाइड दे देगा, कुछ का फेस आउटसाइड दे देगा, ठीक है। यह आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए 8% दे रखे मेरे पास, ठीक है जी, मैं 8% का एक सर्कुलर टेबल बना लेता हूं, ठीक है, ये हो गई मेरी टेबल का सेंटर। सम का फेस क्या आपका सेंटर की तरफ है, और सम का फेस आपका आउटसाइड ऑफ द टेबल है, ठीक है जी। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ए शीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में आपका ए आएगा, ओनली 1% सीट बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 1% होगा, बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा सी एच के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में आपका ए आ जाएगा, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में आपका कौन आएगा, एफ आएगा, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के जस्ट राइट में आपका बी आ जाएगा, बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, जी का पड़ोसी नहीं होगा आपका बी, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में आपका सी आ जाएगा, एंड बोथ ऑफ देम फेस सेम डायरेक्शन, और इनका फेस क्या होगा आपका सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर एक नॉर्थ देखना तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा, एक साउथ है तो दूसरा भी साउथ हो जाएगा। एफ फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रखी है, एफ का फेस क्या आपका आउटसाइड है, तो यहां पर मैं लिख दू एफ जो है ना आपका वो आउट हो जाएगा। एफ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू जी, तो जी का फेस क्या हो जाएगा आपका इनसाइड हो जाएगा, तो यहां से मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन मिल गई। देखो बोला ना इफ जी फेसिंग आउटसाइड देन एफ फेसिंग इनसाइड, ई एंड जी फेस सेम डायरेक्शन, यहां पर मैं लिख दू इक्वल टू जी, मतलब सेम फेस हो जाएगा जो भी इनका आएगा। तो अब देखो एफ का फेस आउट है तो जी का क्या हो जाएगा आपका इनसाइड हो जाएगा, तो जी का इनसाइड हो जाएगा ना, ठीक है जी, तो जी का मेरा इनसाइड हो जाएगा, तो जी को मैंने यहाँ पे ले लिया, जी के थर्ड लेफ्ट में आपका ए है तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। अब एच के थर्ड राइट में आपका ए है तो एच की यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, एच मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसके थर्ड राइट में है ना तो इसका फेस क्या हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा, तो एक दो तीन हो गया, ठीक है जी, इसको हम यहाँ से हटा देते दोनों। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है,
नेक्स्ट क्या बोला है कि देखो ए के सेकंड डायरेक्ट में एफ है, तो ए के सेकंड डायरेक्ट में एफ इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, दोनों केस मेरे पॉसिबल है। चलिए और कोई इंफॉर्मेशन, और आपका क्या है, जी का पड़ोसी बी है नहीं, तो बी मेरा यहाँ पे कंफर्म नहीं आएगा और ना मेरा बी यहाँ पे आएगा। तो चलिए अब देखो सी और एच के बीच में आपका एक पर्सन है, तो सी एच के लेफ्ट में पॉसिबल है क्या एक पर्सन? नहीं ना, तो यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। अब देखो डी के इमीडिएट राइट में आपका बी है, मतलब डी और बी की जगह यही आएगी, तो डी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा और बी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया। अब डी के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट कैसे पॉसिबल है, उसका फेस क्या हो जाएगा आपका आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब देखो ए के सेकंड राइट में आपका एफ है, इधर पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अब इसका फेस आप आउटसाइड ले लो, इसके सेकंड राइट में मेरा एफ आ जाएगा और एक पर्सन मेरा बचा हुआ है ई। अब ई और जी का सेम फेस है, तो जी आपका इनसाइड है, ये भी इनसाइड हो जाएगा। एफ का फेस आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, बी और सी का फेस सेम डायरेक्शन है, बट बी के सेकंड राइट में आपका सी है, तो बी के सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, सी हो गया, और सी का भी फेस क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड हो जाएगा। तो ये पजल आपकी बन गई, यही आपको काम करना होता है हर बार, जब भी पजल और सेटिंग को सॉल्व करो, देन गो विद द डेफिनेट इंफॉर्मेशन, देन चेक विद द पॉसिबिलिटीज इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू विद 100% एक्यूरेसी, डोंट गो फॉर अ राउंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक जो आपका क्वेश्चन आया है कि इफ इट इज अ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। देखो इस क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करना, स्किप कर देना। इसमें क्या होता है, अगर आपको, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपको मीनिंग्स वर्ड्स के पता है, मतलब स्पेलिंग्स पता है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि वर्ड दे रखा है आपके पास रिएक्शन, इसमें क्या करना, एक तो फोर्थ लेटर ढूंढना है इसका। देखो एक एक दो तीन चार, ये है सी, दूसरा है सिक्स लेटर, तो चौथा ही था, पांचवा छठा, ये हो जाएगा आई, और सेवंथ लेटर, सेवंथ हो जाएगा आपका ओ, और देन आपका एट्थ लेटर बोला उसने, एट्थ आपका एन हो जाएगा। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड इफ नो सच वर्ड मेड कैन एक्स। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं मिलता है तो आपको एक्स लगाना है, अगर एक मिलता है तो आपका उसका सेकंड लेटर बताना है, अगर आपको एक से ज्यादा मिलता है तो उसमें वाई लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो मुझे जहां तक दिख रहा है एक आपका हो जाएगा कॉइन, है ना, एक तो कॉइन वर्ड मिल रहा है मुझे, तो कॉइन के अलावा इसके अंदर मुझे हाँ देखो आइकन मिल रहा है, तो दो ऐसे वर्ड मुझे मिल रहे, एक तो कॉइन मिल रहा है, एक आपको आइकन मिल रहा है, तो एक से ज्यादा वर्ड मिल रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर एक ही वर्ड मिलता जैसे कॉइन, अगर सपोज उसका सेकंड लेटर पहुंचता तो हम ओ लगा देते गाइस, अगर एक भी नहीं मिलता तो हम एक्स लगा देते गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये आपका आ गया ब्लड रिलेशन का। देखो आप क्या करना, हमेशा हिंदी से करना स्टार्ट, जो बच्चे लगता ना कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी से स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए जे इज द अंकल ऑफ यू, हु इज द ओनली सन ऑफ एच, हु किसके लिए आपका, यू के लिए, ओनली सन ऑफ एच, एच का ओनली सन है आपका यू। अब जे अंकल है आपका यू का, तो वो मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब उसने बोला एच हैज नो सिंबलिंग, मतलब एच का वो रिलेशन नहीं करेगा जे के साथ, मतलब जो हस्बैंड वाइफ होगा उसके साथ वो कनेक्शन बैठाएगा। चलिए बी इज द सिंबलिंग ऑफ यू, यहां पर लिखा ना बी और यू आपके भाई बहन है, तो ये हो जाएगा बी, बी हो जाएगा आपका डॉटर। एक्स इज द स्पाउस ऑफ वाई, जे इज मैरिड, अनमैरिड है जे आपका। ठीक है, अब देखो आई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, तो आप क्या कर सकते हो, आई को ले सकते हो, आई डॉटर इन लॉ ऑफ
भाई भाई आपकी क्या ग्रैंड मदर है वी की। इज द सिंबलिंग ऑफ यू बना दिया मैंने। एक्स इज द स्पाउस ऑफ वाई मतलब जीवन साथी है, तो एक्स आपका हस्बैंड हो जाएगा वाई का। जे आपका अनमैरिड है तो जे आपका रिलेशन किसके साथ करेगा, आई के साथ, और ये आपका अंकल था। अब इसने बोला इफ बी इज मैरिड टू पी, इफ ये कह रहा है अगर ये इसके मैरिड होती पी के साथ तो बताना आई रिलेटेड टू पी, तो आई क्या हो जाती है आपकी, वो क्या हो जाती है, इसकी मदर है तो इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे गाइस। अब देखो इसमें क्या बोला, ईच वोवल ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज सब्स्टिट्यूट विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द लेटर प्रीसीडिंग इट। ठीक है, देखो आपको एक वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें क्या बोला जितने भी वोवल है, तो वोवल आपके ई ए हो गया, आई हो गया, फिर ए हो गया, फिर आई, फिर ओ, इनको करना इसके नेक्स्ट लेटर से। तो ई के बाद क्या आता है आपका एफ, ए के बाद क्या आता है आपका बी, आई के बाद आपका जे, देखो एफ जी एच आई जे जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना वैसे ही करना है, आई के बाद जे, ओ के बाद पी। अब देखो जो कॉन्सोनेंट उसके पीछे वाला, तो एक्स से पहले क्या आता है आपका डब्ल्यू, ये हो जाएगा एल, एम, पी से पहले आपका एस, एन से पहले आपका एम, ये हो गया मेरा काम खत्म। अब इसने क्या बोला देन हाउ मैनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट, कितने वोवल प्रेजेंट है आपके। तो इसमें देखो तो गलत तो नहीं करना, एफ के बाद ई के बाद एफ, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, ठीक है, डब्ल्यू से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स होता है, एम एल होता है, एम से पहले एम, पी से पहले आपका एस, ओ से पहले आप, एन से पहले एम, तो इसमें तो वोवल आपके दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए एक आपका और आ गया इसमें, ये मैंने दो क्वेश्चन लिए ताकि आपको दोनों का पता चल जाएगा, ठीक है। देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्लर्क में और पीओ में तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के चल सकता हूँ, बन सकते हैं। ये वर्ड दे रखा आपका मल्टीप्लीकेशन, ये आपका मल्टी मल्टीप्लीकेशन दे रखा है कि वोवल इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर, यू के पहले, सॉरी नेक्स्ट लेटर यू के बाद बी, आई के बाद जे, जे फिर आई के बाद जे, ए के बाद आपका बी, आई के बाद आपका जे, ओ के बाद आपका पी, और जो कॉन्सोनेंट उनको प्रीवियस लेटर करना है, तो एम से पहले क्या आता है आपका एल, एल से पहले के आता है, पी, टी के पहले आपका एस आता है, पी से पहले आपका ओ, एल से पहले के, सी से पहले आपका बी, टी से पहले एस, और एन से पहले आपका एम। अब इसने क्या बोला देन हाउ मैनी लेटर बिटवीन फोर फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से फोर, तो एक दो तीन चार, एस के, और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से देखो एक दो तीन, तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आपके आएंगे। तो देखो जे होता है, जे के बाद क्या आता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, कितना होगा टोटल आठ लेटर आपके आएंगे। तो देखो इसमें देखो मोर देन एट, ये ऑप्शन दोनों मिल गए आपके, ठीक है ना, इसमें एरर के लिए टोटल जो आठ आपके लेटर्स आएंगे उसका आंसर हो जाएगा एट गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो आपका आया है फ्लोर बेस्ड आपकी एक पजल आई है गाइस, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 7% दे रखे हैं सेवन स्टोर बिल्डिंग में, लोअर मोस्ट का नंबर 1 दे रखा है, और ऐसे जाते जाते टॉप आपका हो जाएगा 7, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये आपकी 7 स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है गाइस। नेक्स्ट
अब इसमें क्या बोला है कि नो टू पर्सन लिव सेम फ्लोटिंग, जी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबाउ फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर मेरा कौन आएगा, जी आएगा। तो इसमें देखो आपके दो केस बनते हैं, फिफ्थ फ्लोर से ऊपर आपका सिक्स्थ है तो जी एक बार यहां पे आ जाएगा, एक बार सेवन्थ फ्लोर पे आ जाएगा। ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में दो पर्सन है तो एक बार थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा, एक बार फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगा। हु लिव्स इमीडिएट बिलो ए, हु किसके लिए आया आपका, ई के लिए, ये इमीडिएट बिलो किसके, ई के, एक बार ए फोर्थ फ्लोर पे, एक बार मेरा ए फिफ्थ फ्लोर पे आ जाएगा। सी लिव्स टू फ्लोर बिलो ए, तो ए के और सी के बीच में आपका एक फ्लोर आएगा तो ए के नीचे सी आ जाएगा सेकेंड फ्लोर पे, एक बार मेरा थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। आगे बोला द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर अबाउ बी, इसने क्या बोला कि बी के सी के नीचे इतने रहेंगे कि एक ज्यादा हो जाएंगे किससे, बी के ऊपर जितने रहेंगे। एफ लिव्स इमीडिएट अबाउ डी, तो डी के जस्ट अबाउ मेरा कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो डी के जस्ट अबाउ ये तो होगा नहीं इसके अंदर पॉसिबल, तो डी के जस्ट अबाउ मेरा एफ हो जाएगा और बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो बी के ऊपर कितने आपके एक है ना, तो सी के नीचे एक ज्यादा हो जाएंगे, कितने हो गए आपके दो हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया मेरा करेक्ट हो गया, ये आपका क्लर्क लेवल का पजल था तो आप इजीली कर सकते हो। देखो क्लर्क का लेवल ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल का आता पेपर, तभी इसकी कट ऑफ क्या होती है 75 क्रॉस कर जाते हैं गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आपकी कट ऑफ 75 जाएगी, तो कोशिश करना कि अभी भी जब आपके मॉक्स में नंबर आ रहा है तो कोशिश करना क्लर्क में आपके 70 प्लस तो आने ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो टेस्ट सीरीज का लेवल होता है ना जो कंपनीज का, वो थोड़ा सा हाई लेवल का मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है एग्जाम से गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो दो क्वेश्चन आपके ये आए हैं 5%, ये आपका आया है एक ऐसे छोटा सा पजल से हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है हाई डे की होती है, इसमें क्या बोला है 5% है, एक दो तीन चार पांच, लेस देन 2% आर शॉर्टर देन डी। लेस देन 2 का मतलब है कि दो मतलब डी से क्या होगा, लेस देन 2 का मतलब एक ही होता है, जीरो होता है, तो इसमें डी एक बार क्या होगा आपके 1% होगा डी से छोटा। देखो या तो डी से छोटा क्या होगा एक होगा या फिर कोई भी नहीं होगा। आगे बोला कि एज मैनी पर्सन टॉलर देन डी शॉर्टर देन सी, जितने पर्सन आपसे डी से बड़े होंगे उतने आपके सी से छोटे होंगे, ठीक है। सपोज डी से ऊपर दो है तो सी से नीचे भी दो आएंगे, ऐसे आपका ए इज टॉलर देन बी, ये जो आपका है टॉलर देन किससे, बी से, बट शॉर्टर देन ई, बट ई से क्या होगा वो छोटा होगा। बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, बी आपका सबसे छोटा पर्सन होगा नहीं। द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 86 मीटर, जो थर्ड है आपका एक दो तीन ये 86 सेंटीमीटर का है। चलिए अब हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी के साथ। देखो डी के नीचे एक बार मैं एक पर्सन ले लेता हूँ, डी से नीचे मैंने एक पर्सन छोटा ले लिया, तो सी से भी बड़ा कितना हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। देखो ना डी से बड़े कितने एक दो तीन, तो सी से छोटे कितने एक दो तीन, ठीक है। अब देखो ई आपका ए से बड़ा है और ए आपका बी से बड़ा है, बट बी उसने पहले ही बोल दिया था शॉर्टेस्ट पर्सन होगा नहीं, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा डी से ले लेता हूँ कि डी से बड़े चार है तो सी से छोटे भी चार हो जाएंगे, और ई मेरा ए से बड़ा है और ए मेरा बी से बड़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट शॉर्टर देन ई, ई से जस्ट छोटा कौन है आपका, वो है ए, ए मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखो, मैंने इसमें ज्यादा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लिए ताकि आपको उनका जो अप्रोच परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यह आपकी क्या है, एक सिटिंग अरेंजमेंट बोला जिसमें स्क्वायर बेस टेबल दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है स्क्वायर बेस टेबल दे रखी है, ठीक है। फोर ऑफ देम पर्सन सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फोर मिडल ऑफ द टेबल एंड द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द सिटिंग मिडल एट द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है।
जो पर्सन आपके मिडल में बैठे हैं उनका फेस आपका सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, और जो पर्सन आपके कॉर्नर में बैठे हैं पर्सन, उनका फेस आपका आउटसाइड हो जाएगा। चलिए ये टेबल होगी मेरी। अब देखो मेरा यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यहां से डी शिफ्ट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। डी मेरा कॉर्नर पे, तो डी में कहीं भी ले सकता हूं आपका। आगे बोला वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में एक पर्सन है, बट ये कन्फर्म नहीं कि डी मेरा लेफ्ट में आएगा, जी के या फिर राइट में आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास होगी। आगे बोला क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में आपका क्यू आएगा। थ्री पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ई, क्यू और ई के बीच में आपके तीन है, बट ये कन्फर्म नहीं कि मेरा लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में आपका डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, तो डी का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू, ना तो यहाँ पे आएगा इमीडिएट राइट में, ना ही इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, के के सेकंड राइट में आपका एच आएगा। तो ये मेरे सारे इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। तो अब हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए मैं डी के राइट में एक बार एक छोड़ को जी को लेता हूँ। ये बोला ना डी और जी के बीच में, अब जी के थर्ड राइट में क्यों है, तो इसका फेस आउटसाइड, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा क्यों आ जाएगा। क्यों और ई के बीच में तीन है, तो एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पे मेरा ई हो जाएगा, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। ई के सेकंड राइट में डब्ल्यू आएगा, अब ई के सेकंड राइट में डब्ल्यू यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। चलिए सर, तो ये वाली मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपका जी को लेता हूँ डी के लेफ्ट में एक छोड़ के, यहाँ पे मेरा जी आ गया। अब जी के थर्ड राइट में क्यू है, तो इसका फेस आउट है, तो देखो एक दो तीन यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा, और क्यू और ई के बीच में तीन है, तो चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो वही आएगा। अब ई के सेकंड राइट में आपका डब्ल्यू है, तो ई के सेकंड राइट में मेरा डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, हाँ इसको भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी। अब मेरे पास ये की केस बचा कि के के सेकंड राइट में आपका एच आएगा, तो के इधर तो पॉसिबल है कि सेकंड राइट में नहीं ना, के सेकंड राइट में मेरा एच आ जाएगा। और एक पर्सन आपका बचेगा, वो है कौन है, देखो एस, एस आपका आ जाएगा यहाँ। तो ये भी सिटिंग अरेंजमेंट मेरी क्या होगी, कंप्लीट हो गया। अब देखो एक आपकी सिटिंग अरेंजमेंट क्या आई है, जिसमें अनसर्टेन नंबर या सर्टेन नंबर के पर्सन दे दिए जाते हैं, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मैं सॉल्यूशन देखना। इसमें जब ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, इसमें क्या होता है, आपको मैंने देखो बॉक्स बेस पजल बोला है, फ्लैट वाली पजल, और एक लीनियर होती है, जिसमें अनसर्टेन दे रखा था, सर्टेन दे रखा था, इसको हमेशा मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट करा दूँ, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी हाई होती है। देखो अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग आर नॉर्थ, मतलब सबका फेस क्या है नॉर्थ, नॉट मोर देन 25 पर्सन सिटिंग इन अ रो, 25 हो सकते हैं 24 हो सकते हैं, बट 26 नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखना, अगर ये आता है तो गलत है आप। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में आपके दो पर्सन है, बट ये कंफर्म नहीं कि मेरा राइट में आएगा एस के या फिर लेफ्ट में आएगा। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द एंड, थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड सिट इट टू द राइट ऑफ आर। देखो अगर आप देखो तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यू मेरा थर्ड फ्रॉम द एंड है, बट आगे क्या बोला, एट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में बैठा है, मतलब यू मेरा कंफर्म हो गया राइट हैंड से। अगर मैं राइट हैंड आपका ये लू सपोज, तो एक दो पर्सन आ जाएंगे यू के राइट में, तभी तो आपके थर्ड हो जाएगा। अब ये आपका एट फ्रॉम द राइट ऑफ आर, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ पे मेरा आ जाएगा आर। ठीक है चलिए, तो आर के थर्ड एट राइट में देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गया,
अब आर और एस के बीच में एक दो एस यहां भी पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉसिबल। प्लीज सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में आपका टी आएगा। ओनली 8% सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में आपकी 8% आएगी। हु डज नॉट एडजेसेंट टू यू, हु किसके लिए है आपका क्यू के लिए, तो क्यू आपका यू का पड़ोसी नहीं होगा। प्लीज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में आपका पी आ जाएगा। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड बी, पी और बी के बीच में आपके 2% होंगे। एंड हु सिट एट द एंड ऑफ द रो, ये आया आपका बी के लिए, ये आपका एंड पे होगा। तो एंड आपका ये भी हो सकता है और लेफ्ट एंड भी हो सकता है गाइस, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं। अब देखो हमें पता है R और S के बीच में दो है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार लेफ्ट में, आप राइट में ले सकते हो, तो मैंने लिया लेफ्ट में, एक दो छोड़ के मेरा S आ गया। S के इमीडिएट लेफ्ट में आपका T है, तो S के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये हो गया कौन, T हो गया। अब T और Q के बीच में 8% है, तो आप इसके राइट में भी ले सकते हो लेफ्ट में भी ले सकते हो। तो हम चेक करते, देखो मैं राइट में लेता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो जाएगा क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में बी है, तो देखो एक दो तीन यहाँ पे आ गया मेरा पी, ठीक है। पी और बी के बीच में दो होंगे बट बी एंड पे आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या कहीं, एंड नहीं पॉसिबल है। तो सर हमारा जो ये केस है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम काम क्या करते हैं, टी के लेफ्ट में लेते हैं क्यू को, एक ये है क्या, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है जी। पी अब देखो क्यू के थर्ड लेफ्ट में पी है, तो देखो एक दो ये आ गया मेरा पी। अब देखो पी और बी के बीच में देखो दो है ना, तो अब मुझे पता है पी के, और देखो यहां पे बना देता हूं पी और ये हो जाएगा बी, बी मेरा क्या है एंड पे आ गया है ना, मतलब ये मेरा केस पॉसिबल हो सकता है। तो हम चेक करते हैं एक बार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, इसमें तो 28% आ रहे हैं, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती सर। चलिए सर हम इसको मिटा देते हैं फिर। अब हम एक काम करते हैं, चलिए इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं हम, अब देखो मैंने R के लेफ्ट में लिया ना इसको, अब एक बार मैं राइट में लेता हूँ, तो एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है। R और S के बीच में दो हो गए। अब देखो S के इमीडिएट राइट में T है, तो S के इमीडिएट राइट में आपका T आ जाएगा। T और Q के बीच में 8 है, तो इधर पॉसिबल है एक दो तीन चार पाँच छह ही होने, नहीं होगा, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो जाएगा मेरा क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में पी हो जाएगा, एक दो छोड़ के मेरे यहाँ पे पी आ जाएगा। पी और वी के बीच में 2% है, तो एक दो और वी हो जाएगा, और ये वी मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड पे आएगा, एंड में बोला था ना उसने। अब हम पर्सन गिनते हैं कितने पर्सन आपके आ रहे हैं, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, तो टोटल जो आपके पर्सन आ रहे हैं इसमें कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, जो 25 से कम ही होता है आपको पता है। आराम से ये पजल हो गया, थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप डेली बेसिस पर करते हो सॉल्व तो आप इजीली कर सकते हो, अदर अगर आप नहीं आपकी हैबिट है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना गाइस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल मॉक नंबर 3। अगर आपने
नहीं देखे पहले तो उनको जरूर देखना। और इस क्लास के मैं आपको डेली टाइमिंग बता दूं, यह आपको हमेशा 5 बजे ही मिलने वाला है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपके एग्जाम से पहले आपको कम से कम 20 से 25 मॉक आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है सेलेक्ट क्लासेस चैनल से कुछ सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक बता दूं आपको, आपकी जो मेंस की क्लासेस है ना वो रात को 9 बजे चलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।